नमस्कार मनोरम एजुकेशन चैनल रे आपन समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी हिंदी बहर गद्य विभाग चैप्टर 3 रे थिबा जेल में मेरे मित्र विषयटी अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो तीन वाक्य में दीजिए। क नंबर, देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा। नेहरू को डेराडून जेल किपरी निज घर भली लगला। यार उत्तर लिखा पूर्वर जदि भिडटी भल लगे लाइक टे निश्चय करदे। प्रथम कर चेल देखते सब्सक्राइब करने को जमा भूल। बर्तमान यार उत्तर लिखा, नेहरू जी को देहरादून की उस कठरी में रहने के बाद उन्हें लगने लगा कि यह उनका अपना घर है। वो उसके कोने कोने से परिचित हो गए। जेल के उस घर से सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों दोबारा खाई हुई कोड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को नेहरू जी पहचाने लगे, इसलिए अपना घर मालूम होने लगा। ख नंबर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी का क्या अनुभव हुआ है। नेहरू को जेल रे अन्य कार्यरु अव्याहत मिलबारु कौन अनुभव होइछि। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति के अधिक निकट होने के साथ अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों के अधिक निकट होते चले गए। उनका आगन जीवों से भरा हुआ था, उनको कभी अकेलेपन महसूस नहीं होता था। ग नंबर, खटमल मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को क्या निरंतर युद्ध करना पड़ता था। नेहरू को कहीं अड़श मशा और माछी मानक निरंतर युद्ध करने को पड़ूला। खटमल माने कौन ना अड़श, खटरे जो अड़श पसेनी ना सेगुड़ा। मच्छर माने कौन ना मशा और मक्खिय माने माछी। नेहरू जी दैनिक जीवन में उड़ने वाले कीड़े मकड़े बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता, इसलिए खटमल मच्छर और मक्खियों से उन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ता था। घ नंबर, गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है। गुंडीची मूसा मानक संबंध में नेहरू कौन लिखिंट। गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने यह लिखा है कि जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आते हैं। वो इधर से उधर भागती, एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। उनकी अंखलियाँ देखने में बड़ा बड़ा आनंद आता। वन नंबर, विभिन्न जेल में नेहरू जी का किन किन जीवों से सामना हुआ। विभिन्न कारागार मानकरे नेहरू जी क्यों क्यों जीव मानकर सम्मुखीन होइतिले। नेहरू जी देहरादून जेल में खटमल मच्छर और मक्खियों, लखनऊ जेल में नन्हे नन्हे तीन गिलहरियों, अलमंड जेल में कबूतरी, नैनी जेल में हजारों तोते, बरेली जेल में बंदर बिच्छू सांपों के साथ सामना आदि जीवों से हुआ। छ नंबर, तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने किया विचार व्यक्त किए। विभिन्न प्रकार जीव मानक संबंध में लेखक कौन विचार व्यक्त करिसंती। लेखक जीवों के बारे में यह विचार व्यक्त किया कि गिलहरियों की अंखलियां देखने में बड़ा आनंद मिला और कोयल की मधुर ध्वनि मन को मुग्ध कर लिया। खटमल मच्छर और मक्खियों से उनका निरंतर युद्ध होता था। छ नंबर, लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत क्यों नहीं था। लेखक यही जीव जंतुओं के प्रति कहीं भयभीत नथिले।
लेखक जीव जंतुओं से भयभीत इसलिए नहीं था कि वो अकेलेपन के संगी साथी थे, और भी जेल जीवन में निर्जनता को दूर करते थे, उनके माध्यम से प्रकृति को उपभोग करते थे। इसलिए लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत नहीं था। जनबल, गिलहरी के बच्चे को बचाने का क्या उपाय किया गया? गुंडुची छुआ मानंकु बचाइबार कौन उपाय करा गला? गिलहरी के बच्चे को बचाने के लिए नली से दूध पिलाने का उपाय निकला। नली से यदि दूध पीते तो बच्चे जीवित रहेंगे। झ नंबर, गिलहरी के नन्हे बच्चे को किस तरह दूध पिलाया गया? गुंडुची मूषार छोट पिला मानंकु किपरि दूध पिया गला? नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी, रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी की नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। इसी तरह नन्हे बच्चे को दूध पिलाया गया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। न्यू नंबर, नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में क्या लिखा है? नेहरू जी अल्मोड़ा जेल रे रहुतिबा सारी होलो को संपर्क रे कौन लिखी चंदी? नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में यह लिखा कि वो इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम खाना मिलने में कुछ देर हो जाती तो वो चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। टर्न नंबर, देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे भूल जाते थे कि वो जेल में है? देहरादून कारागार रे नेहरू जी किपरी भूली जाते जे से कारागार रे अछंती? देहरादून जेल में सौकड़ प्रकार की चिड़िया थी, वो गाती चहचहाती मधुर ध्वनि करती थी, और भी कोयल कुक रही थी। उसकी कुहू कुहू ध्वनि सुनकर नेहरू जी आनंदित हो उठे और भूल जाते कि वो जेल में है। थ नंबर, बरेली जेल में बंदर के साहस की कैसे विजय हुई? बरेली जेल रे माकड़ मानकर साहस विजय किपरि हैला? बंदर से एक बड़ा और मोटा बंदर खी खी कर नीचे कूद पड़ा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। ओहो, बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि बाड़न और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। ओहो, साहस की विजय हुई। डो नंबर, बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? बरेली कारागार बिच्छा संपद नेहरू को कौन विचार थिला? बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के विचार यह है कि कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे, वो मेरे बिस्तर और किताब में मलिते थे, लेकिन उन्हें कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बिच्छू को डोरी से बांधने पर भी बहु को ही गायब हो चुका था। धन्यवाद। नेक्स्ट पीरियड दिन बठारू आरंभ करवा।